हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि कभी ना कभी हम बीमार पड़ ही जाते हैं, और अगर भगवान ना करे हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ जाए तो उस केस में इंडिया के अंदर मेडिकल का खर्चा बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपको हॉस्पिटल पर बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके लिए हम सब करवाते हैं मेडिक्लेम। बट मैं आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको लगेगा कि यार मेडिक्लेम करवाने में तो बहुत सारे नुकसान हैं। आपने आज तक मेडिक्लेम के बहुत सारे फायदे सुने होंगे, बट ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ मेडिक्लेम लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या नुकसान है मेडिक्लेम करवाने के। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल के नोटिफिकेशन के साथ। देखिए, सबसे पहली चीज, जब आप मेडिक्लेम लेते हैं, जब आप अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें ना वेटिंग पीरियड होता है। पहले 30 दिन आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी कंडीशन भी स्पेसिफाइड होती हैं जिनमें मेंशन होता है जी दो साल तक हम इन बीमारियों का पैसा आपको नहीं देंगे, 4 साल तक हम ये वाली बीमारियां कवर नहीं करेंगे, आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज 4 साल से पहले कवर ही नहीं होती है। अब आप सोचो, आपने अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को देखकर मेडिक्लेम करवा लिया और आप पहुंच गए हॉस्पिटल में एडमिट होने की, भाई मैं तो इसका ट्रीटमेंट करा लूंगा, मैंने मेडिक्लेम ले लिया है, बट वहां पर आपको 1 रुपए का भी क्लेम नहीं मिलने वाला है, बिकॉज आपकी पॉलिसी में मेंशन था कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वो कवर ही नहीं करेंगे। दूसरा बड़ा नुकसान मेडिक्लेम पॉलिसी करवाने का, कि आपने सपोज आपकी एज है 30 साल और आपने अपना मेडिक्लेम करवा लिया, तो आज आपका प्रीमियम सपोज 12,000 रुपए है, तो जब आप 40-45 की एज में आएंगे ना, आपका यही प्रीमियम 25,000 से 30,000 रुपए हो चुका होगा पर ईयर। जी हाँ, मेडिक्लेम के अंदर एक सबसे बड़ा नुकसान है कि जो उनका प्रीमियम होता है ना, वो हर साल लगातार बढ़ता रहता है। और एक तीसरा जो बहुत बड़ा नुकसान है वो ये है, कुछ कंपनीज के मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर ना को पेमेंट का क्लॉज लगा होता है जिसको लोग पढ़ते ही नहीं है। को पेमेंट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, उसमें 80-20 का को पेमेंट का क्लॉज है। इसका मतलब है जो भी हॉस्पिटल का बिल आएगा उसका 20% आपको देना पड़ेगा, बाकी 80% ही मेडिक्लेम कंपनी बियर करेगी, यानी कि 20% का बर्डन हो गया आपके ऊपर। 10 लाख का अगर बिल आ गया तो 2 लाख रुपए आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे, यानी कि ऐसी पॉलिसी फुली कैशलेस नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर स्पेशली एजेंट भी और कस्टमर भी दोनों ये चीजें नहीं जान पाते हैं। एजेंट कस्टमर को बताएगा नहीं और कस्टमर कभी भी पूरी डिटेल लेने की कोशिश नहीं करता है, जिसकी वजह से जब क्लेम का टाइम आता है ना, तब उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चौथी एक समस्या जो मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर है, देखो सपोज आपने मेडिक्लेम पॉलिसी कराई और 10-15 साल तक आपने लगातार प्रीमियम दिया और 15 साल में भी कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, आपको कभी भी एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी हॉस्पिटल के अंदर, तो कुछ लोग पता क्या सोचते हैं, यार वो जो हमने प्रीमियम भरा है ना 15 साल, वो तो वेस्ट हो गया। देखा जाए तो वो पैसा वेस्ट हो गया आपका, ठीक है। जबकि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस में देखते हैं तो जो भी पैसा आपने जमा किया है, टर्म प्लान को अगर मैं छोड़ दूं, तो वो पैसा आपको कुछ रिटर्न के साथ वापस मिल जाता है। बट मेडिक्लेम में आपने जो पैसा डिपॉजिट कर दिया और आपने कभी भी क्लेम नहीं लिया, तो आपका सारा की सारा पैसा चला गया, वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है मेडिक्लेम पॉलिसी करवाने का। मेडिक्लेम पॉलिसी अगर आप ले रहे हैं, उसका एक और मैं आपको नुकसान बता देता हूं, कि अगर आपने अपनी हॉस्पिटलाइजेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर मेडिक्लेम कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, वो इन्फॉर्म ही नहीं करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, और उस वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। कभी कभी क्लेम रिजेक्ट इसलिए भी हो जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको 5 कारण बताए हैं जिसकी वजह से आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। बट दोस्त, मैं आपको एंड में एक बात बता दूं, मेडिकल इंश्योरेंस आपको करवाना चाहिए बट विद प्रिकॉशन। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर नहीं होती है। आपको उस पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल अपने एजेंट से लेनी चाहिए, और आप अगर खुद उसको ऑनलाइन भी बाय कर रहे हैं ना, स्टिल आपको ऑनलाइन में भी उस पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल पढ़नी चाहिए, तब जाकर आपको वो पॉलिसी बाय करनी चाहिए। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको मेडिक्लेम पॉलिसी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज 5 नुकसान तो मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है क्या मेडिक्लेम पॉलिसी जरूरी है या नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो। ऐसे ही काम के वीडियोस मैं लगातार आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, इसलिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, ताकि जैसे ही मैं ऐसा वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।